दलित लोगों को भड़का करके और देश को कमजोर करना चाहते हैं। नक्सली और भारत विरोधी ताकतों को, इन लोगों को, उनकी बातों को समझना चाहिए कि पूरे दुनिया के जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं वो सभी लोग इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और नौजवानों को, लोगों को भारत की मजबूती के लिए, भारत की एकता के लिए, सर्व समाज को एक साथ रहने के लिए, सभी पूरे भारतवासियों के सम्मान के लिए जो भी निर्णय हो रहे हैं देश की मजबूती के हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नक्सली देश को कमजोर करने के लिए, खोखला करने के लिए, तोड़ने के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए और उन लोगों की साजिशों के शिकार ये लोग हो रहे हैं। भारत बंद का असर देखा गया बलिया में? तो आप सभी पत्रकार हैं, पूरे शहर को देख रहे होंगे, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल, जो नक्सली हैं, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुस्लिम संगठन है, जो कश्मीर का अलगाववादी है, वो सभी लोग लगे हुए हैं और वो देश को कमजोर करने के लिए ऐसे भोले भाले नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी पार्टियों का जो देश को कमजोर करना चाहती है, जो मोदी जी से आमने सामने नहीं लड़ पा रहे हैं, वो सारे लोग, आपने देखा है नक्सलियों से कांग्रेस का कनेक्शन, और हर पार्टी में गैर भाजपा जितनी पार्टियां हैं वो सभी नक्सलियों और देश विरोधी ताकतों के साथ, कश्मीर के अलगाववादियों के साथ लगी हुई है और उन्हीं के साजिशों के तहत पूरे देश में आज ये कार्यक्रम